चलो ये डाल देंगे अब इसमें पनीर। अब अच्छे से करते हैं इसको मिक्स। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक होंगे? तो देखिए, आजकल मेरा घर का काम चल रहा है तो इसलिए मुझे रेसिपी बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जिस समय टाइम मिल रहा है तो आपके लिए रेसिपी लेके आ रही हूँ। तो इतना सारा हमारा काम हो चुका है अभी, तो देखिए यहाँ हमारे भैया लोग भी आए हैं काम के लिए, तो सारा टूट फूट हो रहा है, सामान सब इधर उधर बिखरा है। रेसिपी बनाने का बिल्कुल जगह नहीं मिल रही है, कहाँ बनाए। अंदर भी ऐसी हो रहा है, बाहर भी ऐसी हो रहा है। जिस समय आपके लिए रेसिपी बनाने का टाइम होगा तो मैं आप लोगों के लिए जरूर लाऊंगी, और आप लोग हमारी पुरानी वीडियो से एंजॉय करना। तो ये हमारे भैया लोग हैं, लगे हुए हैं। 15-20 दिन हो गए, हमारा काम हो गया है, बहुत सारा काम कर रहे हैं आजकल हमारे भैया लोग, लगे हैं मेहनत। और इधर हमारी रेसिपी बनेगी, यहाँ से ना हम दरवाजा खोल लेंगे पीछे को आने की, इधर से थैली खोलेंगे, उसके बाद हम यहाँ से एंट्री करेंगे अपनी और इधर बनाएंगे अपना किचन। तो कैसी लगी हमारी ये जगह आपको? जगह तो वही है, और चूल्हा भी हमारा इधर था, छोटा सा कोने में हम इधर बनाएंगे, है ना कैमरामैन? फिर खूब दैल फैल जगह हो जाएगी, तो बनाएंगे आप लोगों के लिए बढ़िया सी रेसिपी, रोज लेके आएंगे। कटहल का पेड़ की हमें छाया मिलते रहे और पेड़ पौधे लगाते रहे। तो आजकल बिल्कुल सामान की वो हो रही है, सोफों को हमने इस तरीके से ढक के रखा है, धूल ना पड़ जाए। इधर ही सीमेंट रखा हुआ है। तो इधर आगे का पोर्शन ये है देखिए, और गर्मी बहुत हो रही है। तो आ गए हैं दोस्तों अपने किचन में, बनाते हैं पनीर की सब्जी, वो भी व्रत की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हरी मिर्च और अदरक कूट लेंगे। अगर व्रत में आप अदरक खाते हो तो ठीक है, नहीं खाते तो स्किप कर सकते हो। तो हम व्रत में अदरक खाते हैं इसलिए मैं अदरक डालूंगी, बाकी और मसाले नहीं पड़ेंगे। तो ये ले रखा है मैंने एक बड़ा सा अदरक, इसको काट के हम कूट लेते हैं। और यहाँ ले रखी है हमने हरी मिर्च 4-5। अदरक और हरी मिर्च को अच्छे से कूट लेते हैं। व्रत लो उसके बाद शाम को खाना बनाओ, प्रसाद बनाओ, उसके बाद सब्जी बनाओ। हरी मिर्च को कूट लेते हैं, और पनीर को हमने कट कर लिया है क्योंकि हम फटाफट बनाने वाले हैं रेसिपी, ज्यादा टाइम तो मुझे हो नहीं रहा है। अभी मिस्त्री लोग आ जाएंगे तो फिर मुझे चाय बनानी पड़ती है, तो आजकल मुझे आराम भी नहीं मिल रहा है, उनको भी देखना पड़ता है, गर्मी हो रही है, पानी देना पड़ रहा है, और अंदर भी हमारा ऐसी हो रहा है मिट्टी मिट्टी। तो सारी तैयारी हो चुकी है, पनीर को मैंने काट लिया है और दही को ले रखा है मैंने, इसको अच्छे से फीट लिया है। और इधर ले रखी है मैंने कच्ची मूंगफली, तो मूंगफली को मैंने अच्छे से इनको रोस्ट करा, उसके बाद इसका छिलका निकाल के सीधे मैंने सिलबट्टे में इसको पीस लिया, और तो बढ़िया सा इसका पेस्ट बन गया है। तो आप भिगाना मत, ऐसी पीस जाता है। बहुत से क्या करते हैं, मूंगफली भिगा के पीसते हैं, तो अगर आप फटाफट पीस लोगे ना गरम गरम तो जल्दी पीस जाती है। अब बनाते हैं सब्जी। तो सबसे पहले हमने एक बाउल ले रखा है, बाउल में डालेंगे दही, एक कटोरी दही है, थोड़ा सा मैंने फीट लिया था, इसमें हल्का सा पानी मिला लिया था। अब ले रखा है मैंने मूंगफली का पेस्ट, इसके साथ डाल देंगे इसी में, दही में ही मिला देंगे। तो मूंगफली ताकतवर चीज हुई, तो खाना चाहिए व्रत में। अब एक बड़ा चम्मच से लेंगे अदरक और हरी मिर्च, कूट रखा था मैंने, चटपटे के लिए सिर्फ हरी मिर्च ही अच्छी होती है। भुना हुआ जीरा लेंगे एक चम्मच, छोटा चम्मच है ये, एक चम्मच भुना हुआ जीरा, स्वाद अनुसार सैदा नमक। अब अच्छे से करते हैं इसको मिक्स मसालों को। दही और मूंगफली को मैंने अच्छे से फीट लिया है। अब करते हैं सब्जी की तैयारी। तो इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब लेंगे एक चम्मच घी, तो घी से बनाएंगे। व्रत में जब सब्जी बनाते हैं तो घी का ही भोग लगता है, तो घी से ही छौंकते हैं सब्जी को। इधर ले रखा है मैंने जीरा, जीरे का तड़का लगाएंगे। जीरा अच्छे से भुन गया है, मैंने ले रखा है जो पनीर, हम इसमें जीरे में डाल देंगे, हल्का सा इसको भूनते हैं। और जो हम जीरे में भून रहे हैं ना, इसमें पनीर में बहुत अच्छी खुशबू आती है, क्रिस्पी भी हो जाते हैं, और जीरे का जो स्वाद है वो अलग आता है, बहुत स्वादिष्ट बनता है जीरे में अगर पनीर बनाओ तो। बस हल्का सा हमने इसको भून लिया है, अब एक एक करके प्लेट में निकाल लेते हैं। जीरा भी भून गया है और पनीर भी।
खुशबू लाजवाब आ रही है। अब जो बना रखा है हमने दही और मूंगफली का पेस्ट है, सीधे हम इसमें कढ़ाई में लोड देंगे। और करछी को चलाते रहेंगे क्योंकि इसमें दही है, फट ना जाए इसलिए हम चलाते रहेंगे इसको हल्का हल्का करके। बाकी और मसाले इसमें बिल्कुल नहीं पड़ेंगे क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्ची डाल रही है चटपटा के लिए, साथ में है सेंधा नमक। तो इसी तरीके से पनीर की सब्जी बनाई जाती है व्रत के लिए। अगर आप लोग जैसे हल्दी खाना पसंद करते हो तो डाल सकते हो, पर मैंने ये सफेद पनीर बनाया है, मैंने कहा सफेद पनीर भी अच्छा होता है। तो ऐसी सब्जी आप लोग बनाओगे ना तो बहुत टेस्टी होती है व्रत में, क्या वैसे भी बना सकते हो आप इसको। तो इधर हमारा दही और मूंगफली की ग्रेवी बनके हो गई है तैयार, ये देखिए गजब। चलो ये डाल देंगे अब इसमें पनीर। अब अच्छे से करते हैं इसको मिक्स। लाजवाब, और हल्की आंच में बनाई हमने ग्रेवी क्योंकि आप तेज आंच करोगे ना एकदम जल जाएगी। तो ये रहे हमारी पनीर की सब्जी। तो लीजिए हमारी रेसिपी बनके हो गई है तैयार पनीर की सब्जी। तो इसी तरीके से आप व्रत में पनीर की सब्जी बना सकते हो। रेसिपी पसंद आई तो लाइक फॉलो करना, मेरे चैनल में जाकर सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ कुछ ऐसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।